आज शेयर करूंगा कि घर पे ही आप लोग कस्तूरी मेथी बना सकते हैं। ये देखिए, जो कि कस्तूरी मेथी है, इसको हम तोड़ेंगे और इसी से हम बनाएंगे कस्तूरी मेथी। तो इसको पहले हम धो लेते हैं, और धोने के बाद में इसको हम इसे पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे, या तोड़ने के बाद भी हम इसको धो सकते हैं। उसके बाद इसको हम बताएंगे कि क्या करना है घर में कस्तूरी मेथी बनाने के लिए। इस तरीके से हम पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे मेथी के, डंठल नहीं होने चाहिए, ओनली पत्ते पत्ते होने चाहिए। और इस तरीके से हम तोड़ लेंगे कस्तूरी मेथी बनाने के लिए। और बड़े आसानी से घर में आप कस्तूरी मेथी बनाकर रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक चलेगी, उसमें कुछ नहीं होता है। तो एक बार अगर आपकी कस्तूरी मेथी सूख गई तो उसको आप पैक करके रख दीजिए, या एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, तो आपकी कस्तूरी मेथी ख़राब नहीं होगी। 6 6 महीने कुछ नहीं होता इसका, जब तक इसमें हवा नहीं लगेगी, जब तक ये ख़राब नहीं होगी जी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें तोड़ लेना है, पत्ते पत्ते तोड़ना है कस्तूरी मेथी बनाने के लिए। और आगे आप लोगों दिखाते किस तरीके से आप लोगों इसका बनाना है और क्या क्या करना है इसके लिए। चलिए, ये देखिए, डंठल नहीं होने चाहिए इसमें, सिर्फ पत्ते पत्ते होने चाहिए। डंठल होंगे तो बाद में वो मज़ा नहीं आता। ये देखिए, इस तरीके से इसको हमने ले लिया है, तोड़ लिया है। अब इसको अच्छे से अभी हम धो लेते हैं। धोने के बाद इसको हम फिर बताएंगे क्या करें। इसका पूरा पानी निकालने, धो लिया हमने, इसका पूरा पानी निकालने देते हैं, और पूरा पानी निकल जाएगा तो फिर हम इसको सूखने के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसका पानी निकल चुका है, हमारी कस्तूरी मेथी जो कि सूख चुकी है। ये देखिए, सूख गई है। और अब आप लोगों बताते कि आपको क्या करना है इसके लिए और कैसे रखना है। तो आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हैं, चाहो तो इसको आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप करके रख सकते हैं। तो ये हमारी कस्तूरी मेथी तैयार हो गई है। तो इसमें आप लगेगा तो इसमें कुछ पत्ते ऐसे दिख रहे हैं, बाकी पूरी हरी है, तो वो कैमरा के कारण दिख रहे हैं। ये देखिए, और इस कस्तूरी मेथी को बराबर दिख रही है, और इसको हम पूरा मैश कर लेते हैं और छान के पाउडर बना के इसको हम रख लेंगे। एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ऐसे नहीं रखना है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो इसमें हवा लग जाएगी और ख़राब हो जाएगी। आप चाहो तो बगैर तोड़े भी रख सकते हैं, लेकिन पाउडर की हमें ज़रूरत है। ये देखिए, ऐसी पाउडर बन जाएगी, तो हमें मिक्सर की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम छान लेते हैं, इससे अच्छे से करके इसको हम छान लेंगे। उसके बाद में ये देखिए, इस तरीके हमने इसको छान लेते हैं, और इसके जो डंठल हैं वो निकल जाएंगे, वो मेथी मेथी बचेगी। ये देखिए, डंठल पूरा हटा देते हैं हम, इसका ना बना निकल जाएगा, इसमें बचेंगे सिर्फ डंठल डंठल बचेंगे, बाकी सारा खत्म हो गया जो कि वो अंदर हमने निकाल लिया। और ये डंठल हटा देंगे और पाउडर को रख लेंगे। ये देखिए, ये डंठल हैं, बस खत्म, इतना सा डंठल निकला है, बाकी हम इसको हटा देते हैं डंठल के लिए। बाकी हमारी मेथी हम भर के एयर टाइट कंटेनर में रखना है, तो काफ़ी दिन तक चलेगी, ये ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, हमारा कस्तूरी मेथी का पाउडर रेडी। इस तरीके से आप लोग रेडी कर सकते हैं और इसको आप रख सकते हैं, 6 महीने साल भर ख़राब नहीं होगी एयर टाइट कंटेनर के अंदर। तो हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा। आप लोग लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, एलो ग्रेवी, चौ मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, जाकर चेक कर लेना। 3000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग कस्तूरी मेथी बना